बड़ा ताजबाग परिसर और बड़ा ताजबाग चर्चित गैंगस्टर आबू खान हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच गैंगस्टर आबू के दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार की सुबह पुलिस का ताफा आबू के घर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने आबू के घर की तफ्तीश की। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने अधिक जानकारी साझा की। बड़ा ताजबाग परिसर के चर्चित गैंगस्टर आबू खान के दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि अगस्त महीने में पुलिस ने आबू की गैंग पर एक के बाद एक पांच मामले दर्ज किए थे। इसके बाद आबू सहित उसके भाई शहजादा खान, अमजद खान और ईगा खान पर मौका भी लगाया गया। पुलिस को शिकंजा कसते देख चारों भाई फरार हो गए थे। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने प्रकरण की जाँच DCP नूरुल हसन को सौंप दी। लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। इसी बीच पुलिस को शहजादा और अमजद की जानकारी मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उन्हें पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। इसी बीच मंगलवार को पुलिस आबू के घर पहुंची, जिस दौरान उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, जो जारी रहेगी, ऐसा सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने कहा। साधारणतः अगस्त 31 2021 साली गुन्हा दाखल झाला होता यांच्यावर। त्या गुन्ह्यामध्ये 25 जानेवारी रोजी मोका या कायद्याचे कलम लागलेले आहेत आणि तो तपास आमच्याकडे आलेला आहे। या तपासामध्ये जे आरोपी आहेत, चार भाऊ, अबू उर्फ फिरोज, शहजादा खान, अमजद खान आणि ईग्गा खान, या चारही आरोपींनी माननीय उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी बेल केलेला होता। त्याच्यामध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर याच्यातील अमजद खान आणि शहजादा खान या दोघांना आम्ही अटक केलेला आहे आणि गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने आज यांची आम्ही घरझडती घेत आहोत। ज्या पद्धतीने यांची घरं खूप आलिशान आणि मोठी आहेत, त्याकरता आम्ही एकूण 4 टीम वेगवेगळ्या नेमलेल्या आहेत। प्रत्येक टीममध्ये सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर हे इन्चार्ज आहेत, त्यासोबत असिस्टंट पोलीस इन्स्पेक्टर किंवा PSI, रायटर आणि कॅमेरामॅन, 2 पंच असे संपूर्ण यंत्रणा लावून 4 टीम मार्फत आम्ही या संपूर्ण घराची झडती घेत आहोत। घरातील एक एक वस्तूचं वैल्युएशन, मूल्यमापन या झडतीच्या दरम्यान करण्यात येणार आहे। इस दौरान बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी अवैध चीज यहां मिलती है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज, नागपुर।